नमस्कार दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार और आप देख रहे हैं फतेहपुर हब। आइए जानते हैं आज की फतेहपुर की फटाफट प्रमुख खबरें। 250 साल पुरानी ज्वालागंज की महानंद रामलीला का स्वरूप इस बार भव्यता के साथ दिखेगा। संस्कृत व संस्कारों के प्रतीक के रूप में पहचान रखने वाली रामलीला पुराने स्वरूप में लाने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। मौर्या कुशवाहा उत्थान समिति ने खाका के सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में छात्रा द्वारा खुदकुशी करने के मामले में नामजद प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग की। रोजगार सेवक संघ ने यूपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष आदित्य सिंह चौहान के नेतृत्व पर शुक्रवार को फतेहपुर में नहर कॉलोनी में धरना दिया गया। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली पर्व को लेकर 20 कमेटी की बैठक विकास भवन के सभागार में हुई। फतेहपुर के डीएम रविंद्र सिंह, आईपीएस धवल जायसवाल ने पूजा पंडाल के आयोजकों व समाज सेवियों व व्यापारियों के सुझाव लिए और आवश्यक निर्देश दिए। बड़े पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगने को निर्देश दिया। परंपरा से हटकर कोई नया न काम करने का निर्देश दिया। गाजीपुर असोथर मार्ग पर जल भराव की वजह से गुरुवार को सुबह कबराई से गिट्टी लदे ट्रक प्लांट की तरफ जा रहा ट्रक और ट्रेलर के पहिए फंसने से जाम लग गया। 6 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन फतेहपुर में सभी पंडाल भव्य तरीके से सजाए गए और भक्तों के प्रति उत्साह और उल्लास देखने को मिला। फतेहपुर शहर के 3 राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान ITI की 212 सीटें नहीं भर पाई। 4 बार काउंसलिंग के बावजूद पर्याप्त अभ्यर्थी प्रवेश लेने नहीं पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्र की 2 को मिलाकर जिले के कुल 5 ITI में 339 सीटें खाली रह गई हैं। गाजीपुर थाने के एक गांव की किशोरी 23 सितंबर को लापता हुई थी। उसके प्रेमी दिलीप कुमार पासवान ने साथियों राज उर्फ अनुकुल्प मोनू कुमार मोदनवाल संग 25 सितंबर की रात गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद कार में शव रखकर असनी गंगा नदी में फेंक आए थे। पुलिस तीनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद शव की तलाश में जुटी है।